भारत में पाए जाने वाले तीन सबसे जहरीले सांप। नंबर वन, किंग कोबरा। इसके डसने के आधे घंटे के भीतर इंसान की मौत हो सकती है। भारत में सांप काटने से सबसे ज्यादा मौत का मामला कोबरा के डसने से सामने आता है। किंग कोबरा में कार्डियोटॉक्सिन एंड सिनॉप्टिक न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। कोबरा सांप के डसते ही बॉडी का न्यूरो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसके बाद इंसान को लकवा मार जाता है। किंग कोबरा का जहर इतना खतरनाक होता है कि इससे आंखों की रोशनी चली जाती है। नंबर टू, इंडियन क्रेट। इसे भारत का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसके काटने के बाद एक बार में जो जहर निकलता है उससे 60 से 70 लोगों की मौत हो जाती है। इसकी खासियत यह है कि यह रात के समय सोते हुए लोगों पर ही हमला करता है। ये लोगों के हाथ, पैर, मुंह और सिर पर अटैक करता है। इसके काटने के बाद दर्द नहीं होता और इंसान की नींद में ही मौत हो जाती है। नंबर थ्री, इंडियन कोबरा। भारत में पाए जाने वाला इंडियन कोबरा सांप भी काफी जहरीला सांप है। भारत में इस सांप को नाग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसकी पूजा भी की जाती है। भारत में नाग लगभग सभी इलाकों में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसके काटने से इंसान का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक वयस्क नाग की लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर, 3.3 से 4.9 फीट तक हो सकती है।